to Sunny Seam's International School of Astrology. Join in and learn free astrology. Om Shri Ganesha Namah. Lal Kitab Jyotish. YouTube channel mein main Acharya Parveen Bassi Sunny Seam Astrology International School ke saujanya se आज बात कर रहा हूँ शुक्र खाना नंबर तीन की। शुक्र खाना नंबर तीन, लाल किताब में लिखा हुआ है जी, बुरा क्यों जो इज्जत तू औरत की करता, वक्त पर है तेरे जो खुद मर्द बनता। कहने का तत्पर, तू अपनी औरत की इज्जत क्यों नहीं करता जो बुरे वक्त में तेरे साथ कंधे से कंधा जोड़कर मर्द की तरह खड़ी होगी। आगे लिखा जी, कहते केतु भले सतवंती औरत, चोरी कभी न होती हो, गुरु जहर नौ मंदी सेहत, शनि रेखा नौ पित्र हो। बुध मंदा घर ग्यारह बैठे, शुक्र मंदे जर घटता हो, महल बाड़ी ख्वा पर्वत ऊंचे, नींद चौंतीस न सुखिया हो। मित्र मंगल साथ दूजे बैठा, आठ मंदा न चंद्र हो, लकीर लेटी खुद शुक्र सीता, पार गऊं भव सागर हो। अब लाल किताब में शुक्र नंबर तीन को सती या सत्यवंत औरत कहकर पुकारा गया है। यहाँ पर शुक्र व्यक्ति के लिए अच्छा फल ही देता है, लेकिन यदि ऐसा व्यक्ति इश्क का परवाना यदि दूसरी औरतों की तरफ आशिक हुआ तो शुक्र का फल उसको बढ़िया नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति की पत्नी एक मर्द की तरह साथ देगी, पत्नी के रहते कभी चोरी नहीं होगी, बुरे लोग या मौत का फरिश्ता भी उसकी औरत के होते हुए नुकसान ना कर पाएगा। शुक्र नंबर तीन ऐसा व्यक्ति प्रायी और बुरी औरतों या बुरे मर्दों से भी संबंध रखे तो उसको कोई खास बुरा फल नहीं मिलता। वैसे भी जब शुक्र नंबर तीन हो तो ऐसे व्यक्ति पर कोई ना कोई औरत फिदा हो ही जाती है। जब शुक्र के दोस्त ग्रह यानी बुध शनि केतु या मंगल दूसरे या सातवें भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को कम मेहनत से भी रोटी नसीब होती है और उसकी आमदन अच्छी रहती है। शुक्र नंबर तीन के समय बुध नेक हो 20 साल तीर्थ यात्रा का उत्तम फल मिलता है। यानी खाना नंबर आठ में मंदे ग्रह हो और चंद्रमा अच्छी हालत में हो तो शुक्र का फल और भी अच्छा हो जाता है। शुक्र नंबर तीन के समय यदि बृहस्पति नौवें भाव में हो तो खुद शुक्र का जहरीला असर बहुत भयानक रूप कर लेता है। इसका ना केवल स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है बल्कि उसके कुल खानदान की सेहत अच्छी नहीं रहती और वह दुखी और मुसीबतों से घिरा हुआ रहता है। शुक्र नंबर तीन के समय यदि बुध ग्यारह में हो तो शुक्र बर्बाद होगा। 34 साल उम्र तक बेशक कितने ऊंचे महल या गाड़ियां हों, वह व्यक्ति कभी सुख की नींद ना सो सकेगा। धन दौलत की दिन ब दिन कमी होती जाएगी। यदि बुध और मंगल दोनों ही मंदे हों तो शुक्र नंबर तीन का मंदा असर सिर्फ औरत पर होगा, लेकिन औरत का हाल मंदा नहीं होगा। टेवे वाले के लिए औरत का बर्ताव अच्छा नहीं रहेगा। उससे गुरु की आयु 16 साल की चंद्र की आयु 24 साल या बुध की 34 साल उम्र तक किस्मत का असर मंदा ही रहेगा। उसके अपने ही भाई बंधुओं के हाथों धन बर्बाद होगा।
ऐसी हालत में उसको अपने मकानों का सुकना होगा और पिता की जायदाद या उसका सोना टेवे वाले के लिए कभी काम ना आएगा। शुक्र नंबर 3 के समय यदि शनि नौवें घर में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को माता पिता का सुख लंबे समय तक प्राप्त होता है। अब कहने का मतलब ये है, शुक्र नंबर 3 के समय ऐसे जातक की स्त्री इसका पूरा साथ देती है। अगर शुक्र के साथ मंगल बढ़िया बैठे हों तो इसके भाइयों का भी पूरा सुख होता है ऐसे जातक को, और इसकी स्त्री के बैठे हुए कोई इसको हाथ भी नहीं लगा सकता। अगर कहीं लड़ाई झगड़ा भी हो जाए तो स्त्री एक मददगार दोस्त की तरह कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो जाएगी, या कभी परिवार पर विपत्ति आ जाए या कभी ऐसे जातकों को पैसों की कमी हो जाए तो वो कंधे के साथ कंधा मिलाकर एक भाई की तरह ऐसे जातक का साथ देगी। ऐसे जातक की पत्नी औरत गाय की जगह बैल और शेर तबीयत खूंखार तंग करने वाली मगर बुजदिल होती है। एक बार तो ललकारा मार देगी, उसके बाद फिर जो होगा देखा जाएगा। ऐसी होती है शुक्र नंबर 3 वाले की स्त्री। बाकी शुक्र नंबर 3 वाले को अपना करैक्टर ऊंचा रखना चाहिए। वो कहीं भी जाएगा विपरीत सेक्स वाले उसकी तरफ आकर्षित होंगे ही होंगे, उससे बातचीत करेंगे या उससे रिलेशन बढ़ाएंगे। ऐसा इस जातक को खास तौर पर अपना ख्याल रखना चाहिए कि अपना करैक्टर ऊंचा रखे। अगर मंगल बुध मंदे हुए तो शुक्र नंबर 3 का मंदा असर सिर्फ दौलत पर होगा। औरत का हाल उसके बर्ताव के ताल्लुक में उम्दा ना होगा। लड़की औरत का मंदा हाल और भाई मंदों के हाथों से धन हानि आम होगी। लड़कियों के हाथों से ताल्लुक में धन बर्बाद होगा। अपने बनाए हुए मकानों का सुख ना होगा और ना ही पिता बृहस्पति की जायदाद या उसका पिता सोना टेवे वाले के किस किस काम आएगा। पिता की तरफ से बुध की आशा लंबी लंबी किताबों की लाइब्रेरियां, ढोल तमाके के समान रंग राग के समान जो बुलंद आवाज से दूसरों के कान फाड़ दे, अमूमन बाकी मिलेंगे।